गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शुभ्यांशी ब्लॉग्स। तो आज है एकादशी और एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह होता है और आज हमारे यहाँ पे तुलसी जी का विवाह होने वाला है। और आज मम्मी और पापा दोनों गए हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन नहाते हैं ना। और मम्मी कार्तिक भी नहा रही थी तो वो गई है नहाने के लिए। और पिंडदान हुआ था तो फिर गंगा स्नान एक बार करना था, तो इसके लिए पापा भी गए हैं। तो अभी दोनों 3 बजे का सुबह का ही चले गए। मुझे पता भी नहीं कब गए क्योंकि मैं सो रही थी और मुझे पता भी नहीं चला वो लोग कब गए। सो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी उठ गई हूँ। अब मुझे घर का थोड़ा सा काम करना है, झाड़ू वगैरह सब लगाना है, फर्स्ट बनाना है। अभी मैं तुरंत जस्ट मतलब उठ के उस रूम से आके इस रूम में ना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज उस रूम में अगर करती तो सुबह से उठ जाती। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आके स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमें बहुत सारा काम है क्योंकि परसों सुबह का वो पूजा है, नक्षत्र पूजा, तो मानस पाठ होगा, कल से स्टार्ट होगा मानस पाठ। और आज हमें मार्केट भी जाना, और मार्केट क्यों जाना है मार्केट ब्लॉग में आगे जाके पता चलेगा ही। और शाम को तुलसी विवाह भी करना है, तो आप ब्लॉग में बने रहे और तुलसी विवाह को भी इंजॉय कीजिएगा। और जो लोग आज तक तुलसी विवाह नहीं देखे हैं वो लोग भी आज तुलसी विवाह देखेंगे बहुत। सो गाइस, अभी हमारे यहाँ गन्ने का जूस आया है, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस। और आज एक अच्छी है ना, तो आज गन्ने का जूस का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सो आज हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे, तो आपको दिखाते हैं आया है तो। और ये वही मतलब गन्ने का है ना जो कोसी भरा गया था ना। हाँ, और ये वही गन्ने का है ना जिससे कोसी भरी गई थी। हाँ हाँ, हो गया। चलो चलो गन्ने का जूस पीते हैं। तो यहाँ पर मैं मम्मी का पैर धो रही हूँ, मैंने पापा का भी पैर धोया, आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग गंगा स्नान करने गए थे ना तो इसके लिए आए, तो मैंने इन दोनों का पैर धोया। इसके बाद ना हम लोग मार्केट चले गए, क्योंकि मार्केट मतलब जाते जाते हम लोग का ना 1 बज गया। सोचे थे मतलब 11 बजे से जाएंगे और शाम तक आ जाएंगे, बट हमारा 1 बज गया और बहुत सारी साड़ियाँ लेनी थी, तो मतलब टाइम इतना जल्दी बीत गया। और मतलब कोई भी साड़ी ऐसा नहीं, चॉइस हो ही नहीं रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। और मैं ही अकेले गई थी और मेरे देवर गए थे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और फ़ोन पे साड़ी दिखाने पर उतना समझ नहीं आ रहा था, तो हमने अपने हिसाब से ही लाया साड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग गए थे दोपहर में ही गए थे 1 बजे, और अब मतलब आते आते हमारा बज गया 5:30, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। और इधर आए तो शुभांशी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी।
गए शॉपिंग करके हम लोग घर पे आ गए, और हमें ना 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि वहाँ पे मतलब ब्लॉग शूट कर पाए। और अभी घर पे आए हैं ना तो और भी ज़्यादा काम है। अभी मतलब जो रामायण होगा तो कल मानस पाठ होगा ना, तो उसके लिए डेकोरेशन करना है जिसमें भगवान जी को स्थापित किया जाएगा, उस स्थान को डेकोरेशन करना है। चौकी है उसको डेकोरेट करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करते हैं कैसे डेकोरेट करते हैं। सो मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं है हमारे पास कि मतलब हम लोग ब्लॉग शूट कर पाए, बट जैसे जैसे हो रहा है ना हम लोग वैसे वैसे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं है जो मतलब आप लोग के साथ शेयर ना करें। तो और यहाँ चलते हैं मार्केट वो से तुरंत चौकी। आते ही घर पे इतना सारा काम था, तो मतलब यहाँ पे ऐसा था ना, आज तुलसी जी का विवाह नहीं होगा, पता नहीं क्या भाद्रपद कुछ मतलब ऐसा था यहाँ पे। उसके बाद अचानक सब बोलने लगे नहीं आज ही होगा आज ही होगा, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया तुलसी जी का विवाह, और मतलब जल्दी ही किया बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया। एकदम तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके बाद ना हमें और भी काम थे मतलब।